बिल्कुल चीनी कम शक्कर कम में पिया, इतनी अच्छी लगी चाय जैसे अमृत मिल गया हो मेरे को, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने सिर्फ एक टाइम ही चाय पी थी और उसके बाद मैंने चाय पी ही नहीं थी। आज सुबह की ये मेरी पहली चाय थी और कम से कम मैंने इतनी भर के इसको चाय बना कर पी है, अब मुझे तसल्ली मिल रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, लाइव कैप्चर विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक एक नए ब्लॉग के साथ। फ्रेंड्स, दिवाली कैसी रही आप सबकी बताना ज़रूर कमेंट करके। हमारी भी दिवाली बहुत अच्छे से रही, बहुत मज़ा आया। हस्बैंड की छुट्टी थी, बच्चों की छुट्टी थी, बहुत अच्छे से इंजॉय किया। फ्रेंड्स, अभी दिवाली के बाद के जो काम हमारे शुरू होते हैं ना, वो होता है सब कुछ क्लोज करना। मतलब जो भी हम डेकोरेशन करते हैं या जो भी चीज़ें हम बहुत कुछ सजाते हैं, उनको समेटना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं साल में एक या दो बार निकलती हैं और जब निकलती हैं तो बहुत अच्छा सा रौनक देकर जाती है, कुछ अलग फील करके जाता है, एक अलग वाइब्स देकर जाता है। और किसको अच्छा नहीं लगता ये सब डेकोरेशन करना या लाइटिंग करना। दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर मतलब रोशनी ही रोशनी होती है और घर को जितना सजाओ उतना कम होता है। तो मैंने तो बहुत अच्छे से सजाया और बहुत ही एक मुझे सजावट को लेकर बहुत मेरे माइंड में बहुत कुछ रहता है कि मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, और जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ और सजाती हूँ अपने घर को। तो इस दिवाली में मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत अच्छे से सजाया है। तो बस ये था मेरा। अब बारी आती है उन सारी चीज़ों को सबमिट कर रखना, भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आज मैं करने वाली हूँ जितना भी डेकोरेशन किया था उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे लगती हैं कि ये निकालनी चाहिए वो सारी चीज़ें निकाल दूँगी और बाकी कुछ दिनों के लिए रहने दूंगी। और जो मेरे भगवान के बर्तन हैं जो एक्स्ट्रा निकले हुए रहते हैं, अब तो कोई त्यौहार आएगा तभी निकलेंगे, तो इसी वजह से मैंने कल क्या किया था, रात को ही उन्हें वॉश कर दिया था और सुखाने के लिए छोड़ दिया था पूरी रात भर। पोंछने का मुझे समय नहीं मिला, अगर पोंछ देती तो शाइन रहती उसमें, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला उनको वॉश करने के बाद एक बार सूखे कपड़े से साफ करने का। तो चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब उनको समेटती हूँ और उनको सबको जगह पे रखती हूँ। तो कल हम गए थे एक एग्जीबिशन में जहाँ पर हैंडीक्राफ्ट के जो सामान होते हैं वो सब चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि दिवाली के बाद अगर इन सब जगहों पे जाओ ना तो थोड़े से रिजनेबल प्राइस में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लाइक ये कप मैंने लिया, काफ़ी टाइम से मुझे इसमें कप लेना था और तो मैंने एक ही लिया है, 50 रुपीज़ का मुझे एक कप पड़ा है। मैं और भी ले सकती थी पर क्या हो जाता है ना, शिफ्टिंग के टाइम पे फिर ये सारी चीज़ें टूटती हैं तो बहुत दुख लगता है। कितना भी आप इनको पैक करवा लो, कुछ भी करवा लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरी टूटी हैं। तो बस सोच समझ के गिनी चुनी चीज़ें ही खरीद पाती हूँ मैं इसी चक्कर में। कांच के हो गए, चीनी के हो गए, जो बर्तन होते हैं, इन सारी चीज़ों को थोड़ा हिसाब से ही लेती हूँ। फिर भी मन नहीं मानता है मेरा। आपको मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में मिल ही जाएंगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो अच्छा लगा, लेकर आई, दो तीन गाउन लेकर आई हूँ, बेटे ने कुर्ता खरीदा। तो मैंने एक चीज़ देखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम मॉल वगैरह से जो भी सामान खरीदते हैं या होम सेंटर से, ऐसे टाइप के आपके मग वगैरह सब दिखाई तो देते हैं, आप अमेजोन पे भी देखोगे तो आपको ये 250-300 ऐसे प्राइस में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। आप अगर ऐसे एग्जीबिशन से ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो कैन यू इमेजिन कि आप ये 50 रुपये में मिल जाए, मतलब खरीद सकते हो। तो ये मैं देखो 50 रुपये में ख़रीदा है, और बाकी तो आप ऑनलाइन सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका प्राइस क्या है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कभी अगर मौका मिलता है आपके सिटी में कुछ ऐसा एग्जीबिशन लगता है तो ज़रूर एक बार एक्सप्लोर करो इन सारी जगह पे जाके, और आप मार्केटिंग भी करेंगे तो आपको रिजनेबल प्राइस वो लोग कर देते हैं, आप ख़रीद सकते हो वहाँ से। तो मैंने तो एक बहुत अच्छा सेट देखा था जो कि मैंने अमेजोन पर 2500 के प्राइस में देखा था, इसी टाइप में ही बर्तन थे, कप सेट भी था। तो वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 700 में वो देने को तैयार हो गए थे, पर मैंने नहीं लिया। तो मैं आपको जस्ट एक बात बता रही हूँ, कभी आपके इधर
एग्जीबिशन या कहीं मौका मिलता है तो इन लोगों से ज़रूर आप खरीदा करिए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और उनका भी फ़ायदा हो। क्योंकि ये लोग जो एग्जीबिशन लगाते हैं, ये अपने अपने सिटियों से छोड़कर दूसरे सिटी में आते हैं सेल करने के लिए। तो ये जो मैं अब देखिए, मैं बड़ोदरा में हूँ और ये जो बंदा आया था ये खुर्जा से आया था, क्योंकि खुर्जा में ये सारी चीज़ें बनती हैं, चीनी माटी की चीज़ें बनती हैं। तो ऐसा है, तो चलिए बातें तो होती रहेंगी और अब लगते हैं काम पे। जितना लेट करेंगे काम उतना लेट होता जाएगा, क्योंकि डेली रूटीन में काम करना तो ज़रूरी होता है। फिर देखते देखते शाम हो जाएगी, हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से, क्योंकि वो गए हुए हैं ऑफिस। बड़ा बेटा मेरा गया हुआ है पुणे, छोटा बेटा अभी उसकी छुट्टी है तो वो अभी सो रहा है, उसको मैं अभी डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। और बस अब मैं भी लगती हूँ मेरे काम पे, तो दिवाली की छुट्टियाँ ख़त्म और लगते हैं अपने काम पर। अगर आप बर्तनों को टाइम पर अगर पोछते नहीं हैं तो ये देखिए पानी के जो दाग होते हैं ना वो रह जाते हैं। आप कितना भी साफ कर लो, अगर आप पोछेंगे नहीं तो इस तरीके से वो दाग रह जाते हैं पानी के। तो कल मेरे से यही गलती हुई, इतनी मेहनत करी मैंने इनको साफ़ करने में, बस मेरे थोड़ा सा एक टाइम ना मिलने के वजह से मैं इनको सबको पोछ नहीं पाई, तो इस वजह से ये ऐसे रह गए। सभी आ गई हूँ मैं किचन में, और अपना किचन में जो है ना बर्तन वगैरह काफ़ी हो चुके हैं, तो सबसे पहले उन सबको निपटा लेती हूँ। तो आज विम बार ख़त्म हो गया था तो अभी उसमें भर रही हूँ और इजी पड़ जाता है। और अभी कुछ दिनों के लिए, फ़िलहाल के लिए माइक्रोवेव अभी यहाँ पर रखा हुआ है स्लैब के ऊपर, और उसके बाद ये चला जाएगा, पैक होके कहीं पर रख दूँगी, क्योंकि ये यूज़ में आता ही नहीं है, बहुत ही कम यूज़ होता है। देखते हैं इसे कहाँ मैं रखती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने इसे यहाँ पर स्लैब के ऊपर रखा है, और ये सब नमकीन वगैरह सब जार में जो है सब इसके ऊपर रख दे रही हूँ, ताकि सबों को आते जाते लेते रहे, सब लोग खाते रहे। तो कुछ कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने माइक्रोवेव के ऊपर रख दिया है, और अभी बर्तन पड़े हैं, और ये कुछ बर्तन रात को धोए थे उनको भी लगाना है, और साथ के साथ खाना भी बना रही हूँ मैं दोपहर का। और अभी मैं इधर किचन का जितना निपटा सकती थी निपटा दिया है, और अब मैं आ गई हूँ अपना बाकी का जो लाइटिंग वगैरह है उनको भी अच्छे से सही जगह पे पैक करके रखने के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अगर पैक करके सही से रख दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट ईयर के फिर से काम आता है, फिर नेक्स्ट ईयर काम में आता है। अगर हम इसको अच्छे से देखभाल करके सही से रखें, तो ये कुछ मिठाई के डब्बे आए हुए थे तो इनको फेंकने के बजाय अगर हम इस्तेमाल में करें तो बहुत अच्छा हो जाता है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो जो तार वगैरह होती हैं, वायर वगैरह होती हैं, अगर उसके डब्बे के अंदर अगर हम अच्छे से फोल्ड करके रख दें तो बहुत ही आसानी होती है इसको समेट कर रखना, और इजीली निकल भी जाती है टाइम पर। तो मैं यहाँ पर इन डब्बों का इस्तेमाल करके जितनी भी लाइटें वगैरह हैं सब रख रही हूँ, और ये अमेज़ॉन के जो फ्लिपकार्ट के डब्बे होते हैं इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसके अंदर इस तरीके से सारा जो है ना अरेंजमेंट करके रख देती हूँ। बारी आती है उन दियों की या उन सारी चीज़ों की कि जो हमने इस्तेमाल किए हैं, तो इसका जो है मैं DIY करने वाली हूँ, मुनमुस क्रिएटिविटी पे आने वाला है,
तो आज रात को इसका DIY करूंगी मैं बैठ के, जब सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि दिन में तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा, आजकल मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं रात को ही वीडियो बना रही हूँ। तो कल वीडियो आएगा फ्राइडे को, इसी वजह से इन सारी चीज़ों को मैं आज समेट कर एक जगह पर रख दे रही हूँ, ताकि रात को मुझे ये सारी चीज़ें टाइम पर मिले। तो इस डब्बे के अंदर सारे जो मिट्टी के बर्तन और जो दिए वगैरह हैं वो मैंने रख दिए हैं, और बाकी जो कैंडल वगैरह हैं जो यूज़ में आई हुई हैं उनको एक जगह पर रख रही हूँ, क्योंकि इनका इस्तेमाल क्या करना है वो आपको मुनमुस क्रिएटिविटी में देखने को मिलेगा। आज रात को इसका वीडियो बनाने वाली हूँ मैं। तो अब मैं यहाँ पर जो जो नए नए दिए जो कैंडल थे वो मैं इस डब्बे के अंदर पैक करके रख रही हूँ, और सारा चीज़ें जो है ना, जो कैंडल हो गया या जो डेकोरेशन के सामान हैं उनको, जो अभी यूज़ में नहीं आने वाले हैं उनको सब डब्बे में समेट के एक जगह पर रखने वाली हूँ, और आज रात को जो DIY बनाने वाली हूँ उनको इस कार्डबोर्ड के डब्बे के ऊपर रखने वाली हूँ। अक्सर रंगोली जो मिक्स हो जाती है उसका भी रीयूज़ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मुनमुस क्रिएटिविटी में कल आने वाला है। और ये जो कुछ मेरे डेकोरेशन के सामान थे इनको इस बास्केट के अंदर रख रही हूँ, ताकि जब मुझे कभी डेकोरेशन करना रहा तो मुझे इजीली टाइम पर मिल जाए, क्योंकि आप सबको तो पता ही है मेरा क्रिएटिविटी चैनल पे मैं डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस बास्केट में ऊपर ही रखा है ताकि ये मुझे टाइम पर मिले। और अभी मैं अपने जो सोफ़ा कवर वगैरह है वो सब निकाल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना सब लोग उठना बैठना करते रहते हैं, और ये कवर जो होता है ना मिनट मिनट में मुझे मतलब सही से रखना पड़ता है, तो ये हटा दे रही हूँ, और जो अपना नॉर्मल सोफ़ा है कवर वैसे ही रहने दूंगी। और अभी बस थोड़ा सा झाड़ पोछ सब कर रही हूँ, जितना इधर का उधर सामान जो बिखरा हो जाता है, जैसे बच्चे ने भी कपड़े डाल रखे थे मेरे, वो सब उठाया, सब समेटा, तो ये सब चीज़ें अब कर ली है मैंने, थोड़ी बहुत जो ऊपर की साफ़ सफाई है वो हो गई है, और अभी बस झाड़ू पोछा करना है और फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो कुछ ऐसा ही रहा मेरा मॉर्निंग का टाइम, तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।